हादसे में पहली मौत की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कल रात बड़ा हादसा हुआ था जिसमें एक की मौत हो गई है। हादसे में घायल बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। सिविल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रही है। बता दें कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। कई घंटे की रेस्क्यू के बाद निकाला गया था। जुशान हैदर की माता का निधन हुआ है। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रही है। लखनऊ हादसे में पहली मौत की पुष्टि हुई है। बता दें कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसमें पहली मौत की पुष्टि हुई है। वहीं लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। सिविल अस्पताल में महिला भर्ती थी जिसमें उनकी मौत हो गई है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर थापा हमसे जुड़ेंगे। सागर, बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आप मौके में सिविल अस्पताल में मौजूद हैं जहां महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सागर, आपको आवाज आ रही हमारी? सिविल अस्पताल में महिला की मौत हुई है। लखनऊ हादसे में पहली मौत की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे में घायल बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। सिविल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। बता दें कई घंटे की रेस्क्यू के बाद महिला को निकाला गया था। वहीं कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बता दें जुशान हैदर की माता का निधन हुआ है। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। एक बार फिर से संवाददाता सागर का रुख करेंगे। सागर, बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग घायल हुए थे, उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आप मौके से सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। महिला की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, कुल मिला के बता दूं कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पिछले 17 घंटों से जो वहां पर जो टीम है वो कार्य कर रही है, उसके बावजूद एक महिला को वहां से निकाला गया था। महिला की उम्र तकरीबन 75 से 80 साल की बताई जा रही है। कांग्रेस नेता जिसान हैदर की वो माँ थी जिनके मलबे में दबके मौत हो गई। हम इस वक्त एमरजेंसी वार्ड में खड़े हैं। देख सकते हैं यहाँ पर परिजन भी हैं उनके और तमाम जो मीडिया का हुजूम भी है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं यहाँ पर। मलबे में तकरीबन 15 से 16 लोग निकाले जा चुके हैं अभी तक। और देखने वाली बात यह है कि लगातार यहाँ पे लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। और अभी तक फिलहाल क्या बोलते हैं कि मान के चलिए कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उसके बावजूद भी एक महिला की मौत हो चुकी है। और जहाँ तक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि दो महिलाएं इस समय वहाँ पर शायद मलबे में फंसी हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त उपकरण भेजे जा रहे हैं। ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकायदा उनसे बात भी की जा रही है। और यहाँ पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी यहाँ पर आए थे, ब्रजेश पाठक भी आए थे। लोग, बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं और जो तमाम जो ज़िला के जिनके पास जिम्मेदारी है, रोशन जैकब और चेयरमंडल आयुक्त, तो वो वहाँ पर मौजूद हैं घटनास्थल पर। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक टीम गठित की गई जिसमें 3 सदस्य, इसमें रोशन जैकब भी है, DM भी है। और इस टीम को एक हफ्ते के अंदर ही रिपोर्ट सौंपनी होगी। और फिलहाल जो है जो यजदान बिल्डर है और जो यहाँ के जो जिनका अपार्टमेंट था उनके खिलाफ FIR के आदेश दे दिए गए हैं। और फिलहाल ये टीम एक हफ्ते के अंदर जाँच सौंप देगी। जी सागर, जो सिविल अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है वहाँ उनके परिजन भी मौजूद हैं, क्या उनसे बात हुई है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, आपको बता दूं कि अभी सिविल अस्पताल में मैं मौके पे मौजूद हूँ, लेकिन परिजनों से बात होना संभव नहीं जा रहा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एमरजेंसी डोर है उसको बुरी तरह से बंद कर दिया गया है। मीडिया की इंट्री नहीं है, केवल आप बाहर से ही जो भी है विजुअल्स बना सकते हैं, लेकिन परिजनों से अभी तक फिलहाल किसी भी बात नहीं हुई। लेकिन हम लगातार कोशिश करें कि परिजनों से हमारी बात हो और हालचाल जाने, क्योंकि हर वो परिजन चाह रहा है कि उसके दिल में बात होगी। कहीं ना कहीं
कि उसका जो व्यक्ति है, जो भी महिला है, बच्चे हैं, वो सुरक्षित वहाँ पे हो। लेकिन अभी हाल ही में अमृतसर अवस्थी ने यहाँ पर इलाके का निरीक्षण किया था, लेकिन साफ साफ बता दूं कि जितने भी 8 लोग हैं अभी तक पूरी तरह से एकदम बेहतर रूप से हैं, और कुल मिला के देखा जाए तो अभी और भी शायद मलबे में दबे होने की सूचना है, लेकिन वही उसी हिसाब से NDRF की टीम कार्य कर रही है। जी, आगे भी इस खबर पर नजर बनाई रहेगा सागर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो हमारे संवाददाता लगातार मौके पे मौजूद हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बता दें, हादसे में पहली मौत की पुष्टि हो गई है, अभी भी कई घायलों का इलाज लगातार जारी है, बेहतर ढंग से इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हुई है, बड़ा हादसा कल रात हुआ, अभी भी कई लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। आला अधिकारी वही बता दें, लखनऊ हादसे में जांच कमेटी गठित की गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है। पूरे हादसे की 3 सदस्यीय समिति जांच करेगी, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, JCP पीयूष मोर्डिया शामिल, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीफ इंजीनियर PWD लखनऊ भी जांच समिति में, ये समिति जांच कर एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी। हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीम का गठन कर दिया गया है, हादसे के जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करेगी कमेटी, एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट कमेटी देगी। बिल्डिंग हादसे में मानवता के आगे भूख प्यास के घुटने टेके, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इतिहास का पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन निरंतर जारी है। बता दें, लखनऊ में इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, 11 घंटे से भी ज्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे हुए हैं कर्मी योद्धा, अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में हर चुनौती से ऊपर संभावनाएं, पथरीले रास्तों में दबी जिंदगियों को उम्मीद की किरण, एक और फंसी हुई महिला को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला, अब तक कुल 14 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, बड़ा हादसा हुआ था जिसमें महिला फंसी हुई थी, उसमें से एक महिला को बाहर निकाल लिया गया, अभी कितने लोग फंसे हैं, क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? जी मयूरी, आपको बता दें कि हजरतगंज स्थित में आलिया अपार्टमेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन विगत 17 घंटों से लगातार युद्ध क्षेत्र में की तरह किया जा रहा है। NDRF, SDRF और आर्मी की टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। आपको बताएं कि आज 75 साल के बेगम हैदर को सिविल अस्पताल में रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पतालों के अंदर में बेडों को आरक्षित रखा गया है, जो KGMU है और सिविल अस्पताल है उनके डॉक्टर्स की टीम मौके पे भी मौजूद है। साथ ही अस्पतालों के अंदर में भी कहीं ना कहीं देखें तो मॉक ड्रिल के तहत, यानी कि कुछ ही समय के अंदर जो उपचार होता है उसकी व्यवस्था बनाई गई है। वहीं अब तक मिली जानकारी के अनुसार 14 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और एक महिला की अभी तक मौत की पुष्टि हुई, यानी कि एक लोगों की अभी तक कैजुअलिटी की बात आई है। आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉग स्क्वाड की जो मदद ली जा रही है रेस्क्यू के अंदर में, जो वहां पे डॉग स्क्वाड की टीमें लगाई गई हैं, वो मलबों में जो बोर है उसमें घुसकर और कहीं ना कहीं वो अपनी जांच कर रहे हैं, जो NDRF SDRF के साथ डॉग स्क्वाड को लगाया गया है। और साथ ही आपको बताया कि कल देर रात जो इमारत है उसमें 3 मंजिले तक खेद बनाकर और धीरे धीरे SDRF की टीम नीचे सामान भेज रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज रही थी, पानी की बोतलें भेज रही थी। अब बात की जाए तो कल देर रात तक जो प्रशासन के आला अफसर हैं वो मौजूद रहे, साथ ही साथ प्रमुख सचिव मौजूद रहे। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के DGP
एस चौहान भी पूरी रात से ही मौके पर मौजूद हैं और अपनी नजरें बनाए हुए हैं। मयूरी, आपको बताएं कि इसको इस घटने को स्वतः संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था, जिसके बाद राहत बचाव कार्य को बहुत तेजी से किया गया। वहीं अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी का भी गठन कर दिया, जो आपको बताएं कि 1 सप्ताह के भीतर मकान गिरने की वजह को तलाश कर, जो जांच के अपराध मिलते हैं उसको तलाश कर अब वो बताएंगे। आपको बताएं कि जांच कमेटी के कमेटी की गठन में अगर देखें तो लखनऊ आयुक्त यानी कि मंडलायुक्त रोशन जैकब, संयुक्त पुलिस आयुक्त पुलिस मोडिया और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के, लखनऊ के जो चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी विभाग के, उनको जांच में रखा गया है। आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखें तो बिल्डिंग गिरने पे कहीं ना कहीं सवाल के घेरे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले शुरुआत में कहा गया कि भूकंप की चपेट में आने से बिल्डिंग निस्तानाभूत हो गई, ध्वस्त हो गई, मगर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया जो आसपास के लोग थे कि बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था, कमरे का निर्माण किया जा रहा था। साथ ही आपको बताएं कि ये यादान ग्रुप के बिल्डिंग के यादान ग्रुप के द्वारा ये बिल्डिंग बनाया गया है और इसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बताएं कि मौके पर अगर देखें तो जो मृत महिला के परिजन हैं, जिनकी अभी रेस्क्यू किया गया है, जिनकी अभी लाश को निकाला गया है, उनका रो रो के बुरा हाल है और उनका साफ तौर पे कहना है मयूरी कि हमारे जो भी लोग दबे हैं वो निकल सके। आपको बताएं कि कुछ ही समय पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सिविल अस्पताल पहुंचकर और जो घायल हैं उनका हालचाल लिए हैं और आपको बताएं कि डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए हैं कि उचित इलाज की जाए और कोई भी कमी ना रहे। जी मयूरी जी, वांसु आगे भी नजर बनाए रहिएगा। अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में मेरठ कनेक्शन सामने आया है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी टीम नवाजिश को गिरफ्तार कर लखनऊ के लिए रवाना हुई है। पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को परिवार सहित मेरठ ना छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। मेरठ के किठौर विधानसभा सीट से विधायक है पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर। अभी भी 2 फ्लैट अपार्टमेंट में शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश के नाम है। अलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले का मेरठ कनेक्शन सामने आया, इस खबर पर हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, जो लखनऊ में अपार्टमेंट गिरा है उसमें मेरठ कनेक्शन सामने आया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं शाहिद मंजूर, और उनके बेटे का ये अपॉइंटमेंट था जिसमें इनके 2 फ्लैट अभी भी इनके नाम है। और ये अपॉइंटमेंट का जो मामला है इसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट तैयार किया था पूरा, इनके बेटे ने और उनके एक भाई है कजन, उन्होंने इन दोनों ने मिलकर ये अपॉइंटमेंट पूरा तैयार किया था। और इसमें से 2 फ्लैट शाहिद मंजूर के बेटे के नाम है। एसओजी मेरठ देर रात नवाजिद को गिरफ्तार करके लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। लखनऊ पहुंचकर वहां की एसओजी टीम को वो उनके हवाले कर देगी। ये लखनऊ में जो अपॉइंटमेंट गिरने का जो मामला है, ये मेरठ कनेक्शन जो सामने आया, ये शाहिद मंजूर के बेटे से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने शाहिद मंजूर को परिवार सहित मेरठ में देने का अल्टीमेटम दिया है। पूरे परिवार से पुलिस ने ये कहा है कि आप मेरठ जिले से बाहर नहीं जाएंगे और मेरठ जिले से बाहर जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश और उसके भतीजे तारिक ने वर्ष 2003 में जमीन खरीद कर ये अपॉइंटमेंट तैयार किया था, जिस पर पुलिस ने अब ये कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है देर रात और भतीजे तारिक को नवाजिश को गिरफ्तार किया है और भतीजे तारिक की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। जी, जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल सामने आई है, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 7.5 लाख स्नातकों को शिशु भत्ता देगी सरकार। बीए बीएससी बीकॉम करने वालों को भी अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। अब तक सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था मौका, अब नॉन टेक्निकल वर्क के छात्रों को भी अप्रेंटिस का मौका मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की अच्छी पहल देखने को मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7.5 लाख स्नातकों को प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। बीए बीकॉम बीएससी व करने वाले को अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। अब तक सिर्फ तकनीकी विषयों से जुड़े युवाओं को ही मिल रहा था मौका। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।